Thank you.
the top. On my skin, my own. No me da tocar la famosa y me da en que no la de para llegar a la casa de buscar o no se te está tocando como te lo va a decir no se te está cuando está aquí ahora que vi ahora que vi ya bulgula kana bulgula parte da abhi tumhare paas paas mein ye kya chatni hai na saath mein hamare mandir ke saath mein hai aur hamare se chale paande bhi tab tak hai aapko अरे मेरा तो ये वायर और बैग के कारण लोग ढकेल डालते मेरे को बाईं ओर से
निकलते हुए तो उधर जाना ठीक है, इधर से नहीं उधर वो जा रहे। घोड़ा खेलने, गेड़ी खेलने और नारियल देखने का जो कार्यक्रम मंच के दाहिनी ओर रखा गया है, वहाँ पर सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय हिस्सा लेने के लिए रवाना होते हुए जाते हुए आज का जो विशेष कार्यक्रम है आज और आप साइड हो जाओ, हम लोग करेंगे। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी है, जोरदार तालियों से स्वागत करें, अभिनंदन करें। सेल्फी लेते हुए मुख्यमंत्री महोदय के साथ दो और मुख्यमंत्री महोदय भी पूरे उत्साह के साथ एक जगह खड़े हो जाते और जाते हुए जहां पर भौरा गेड़ी और नारियल से प्रतियोगिता होनी है उसके अवलोकन के लिए अगले चलते जाए सामने सामने से खड़ी करवा दीजिए बस। सर आप लोग थोड़ा सामने हट जाएंगे तब तो लेंगे। घोड़ा भी उन्होंने चलाया है, घोड़ा चल रहा है, आप सब की ओर से होनी चाहिए। मैं चाहूँगा सामने जिन लोग खड़े हैं वो लोग थोड़ा सा पीछे हमारे दर्शकों के लिए जगह दे दे ताकि मुख्यमंत्री महोदय हमारा जो खेल खेले जा रहे हैं और आज खेलते हुए इस समय सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय पूरे उत्साह के साथ आज के जो विशेष आकर्षण है उसको पूरा करते हुए इस समय भौरा खेलते हुए इधर देखिए सर मुख्यमंत्री महोदय साहब इधर देखिए मौका मिला है।
जिला बचाना है पंचमारी और हमारे छत्तीसगढ़ के विकास हमला सब चलना करना है और वही एक बार फिर से पुरानी परंपरा ला दिल्ली चले के काम अति के गेड़ी खड़े हो के दिखा वाला एक छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री है किसान के जो बेटा है जिनका पूरा बचपन जवानी जो है खेत खलिहान में गाँव के गली कूचे में जीते हैं वही छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार का छत्तीसगढ़ के परम में जो समझे के काम जो है एक छत्तीसगढ़ हाथ से ही कर सकते हैं अरे इधर उधर से आने मत देना पहले इधर को जा रहे तू अरे बहन दे चल हो गया और इस समय हमारे समय हो गया बस अब अब देख रहे हैं बिलासपुर से जो हरेली त्योहार मनाने के लिए पहुंच रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और यहां पर अपने बचपन के दिनों को भी याद कर रहे हैं और हर एक व्यंजन को उन्होंने चखा और उसके बाद अब आगे घेड़ी भी चढ़े और ऐसे में ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं बिलासपुर से और यहां पर काफी खुश दिखाई दे रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और लोगों में इस त्यौहार को लेकर बड़ा ही उत्साह है। हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस हरेली त्यौहार पर सभी लोग एक दूसरे को हरेली त्यौहार की बधाई देते हैं। सभी जो यंत्र होते हैं कृषि के उनकी पूजा की जाती है, गुलगुले बनाए जाते हैं यानी कि मिठाइयों में कई प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं और पशुओं को भी अच्छा खाना दिया जाता है और ऐसे में सीएम भूपेश बघेल इस हरेली त्योहार के रंग में रंगे हुए। ये सीधी तस्वीर हम आपको बिलासपुर से दिखा रहे हैं जहां पर सीएम भूपेश बघेल पहुंचे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने हर एक जो स्टॉल लगी हुई थी उसका अवलोकन कर रहे हैं। उत्तम
होना चाहिए, फिर प्रचार अग्रवाल पुलिस माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत चाहिए, और फिर रितेश अग्रवाल मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर का निवेदन है जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसे पचास में बिलासपुर का निवेदन करता हूँ, डॉक्टर श्रीमती रश्मि आदित्य सिंह ठाकुर का स्वागत जो हमारे बीच उपस्थित है करते प्रकाश करेंगे। और इसे बता ठाकुर का निवेदन है भाई, तुम लोग किनारे जा रहे हो भाई, सब आ रहे हैं तस्वीर आप बिलासपुर से देख रहे हैं, लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज जो हरेली त्यौहार मनाने के लिए पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल अपनी पत्नी के साथ, उनकी धर्मपत्नी भी उनके साथ मौजूद हैं, और ऐसे में उन्होंने सभी स्टॉलों पर पहुंचकर सामानों का अवलोकन किया और स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ भी उठाया। सामने साइड जाओ भैया, आप लोग सामने साइड जाइए, कैमरे चल रहे हैं यहाँ पे, भैया हट जाइए सामने साइड जाइए। पुलिस वाले कहाँ है यार, श्री राजेश तिवारी, श्री प्रदीप सिंह उपस्थित, समाज बच्चा आदरणीय सभी उपस्थित जन समुदाय सबको हरेली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं बहुत समय नहीं लूंगा, पर छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि आज गुरुकान के साथ बिलासपुर जिले के 26 गुरुकान का लोकार्पण आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कर दिया गया है। इसके साथ हम सब के दिल में ये बहुत खुशी है कि हरेली जो हमारा पहला त्यौहार होता है मौसम का या किसी वर्ष का, उसके लिए हमारे पास एक राष्ट्रीय अवकाश है, और इन सब के लिए हम सब छत्तीसगढ़ शासन से बधाई देते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज ही मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क का भी उद्घाटन किया और साथ में एक जीविका आंगन का भी उद्घाटन किया, जिसमें 600 मुख्यमंत्री जी के भावनाओं के अनुरूप एक बहुत सकारात्मक प्रयास है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार का उदय, ग्रामीण क्षेत्र से कृषि को महत्व, ग्रामीण क्षेत्र से त्योहार को महत्व, परंपरा को महत्व को रेखांकित किया गया है। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा, आप सब लोग बहुत आनंद दे, आज आपके लिए बहुत आनंद का क्षण है, मुख्यमंत्री हरेली मनाने के लिए आप सबके बीच उपस्थित है, हरेली की शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कलेक्टर महोदय, और आज आमंत्रित कर रहा हूँ मैं माननीय डॉक्टर
श्रीमती लक्ष्मी आते थे सर। भैया